ओके तुम लोग हम टाइम देते हैं, तुम लोग 10 मिनट्स टाइम हम दे रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसको तुम लोग ऐसे नॉर्मली जो है नॉर्मली तुम लोग इसको बनाओ, फिर हम वन बाय वन चेक कर लेंगे तुम लोगों का। जिस जगह में प्रॉब्लम होगा मुझे बोलना, जहां पे
Okay, so you have completed? Yes, You sir. have completed? Okay, then I am giving the permission. So, तानिया तुम शो करो, हम परमिशन दे दिए हैं। ओके सर. ठीक है, तुम फर्स्ट क्या करो, कॉम्बिनेशन जो है फर्स्ट 011 कॉम्बिनेशन दो, 011। ओके सर. जीरो वन वन ठीक है, देन 100 101 दो, 101। ओके, और 111 ये तीन दो, 111 ठीक है। ओके, इट इज करेक्ट। ओके सर, थैंक यू सर. ओके, देन नेक्स्ट आकाश, तुम शो कर सकते हो आकाश? सर, आई हैव जॉइंड इन दिस सेशन। ओके आई हैव टेकन द ओके स्क्रीनशॉट, आई विल यूज इट। ओके 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 नो प्रॉब्लम. ओके, देन आदित्य. आदित्य यस सर, हाँ, शो कर सकते हो आदित्य? यस सर। ओके, तो शो करो. Is it visible, sir? Yes, it is visible. So give the combination 110. Okay. Then 011. No. 011. Okay. Then 001. Okay. It's correct. No problem. थैंक यू सर। Okay. Okay. Then another one who have done. Preeti, have you done? यस सर, बट कुछ एरर आ रहा है. अच्छा ठीक है, शेयर करो, हम देखते हैं। सर लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो पा रहा नेट. तो एरर तुम कहाँ से, तब एरर क्योंकि कौन से जगह में एरर आप आए हैं तो मुझे तो देखना होगा, नहीं तो हम कैसे बताएंगे तुमको एरर का। ठीक है, तुम इसको जो वीडियो है वीडियो को देख के फिर बना देना, अगर नहीं कनेक्ट हो पा रहा है तो वीडियो को देख के बना लेना, कि जैसे हम बनाए थे वैसे देख के तुम बना लेना वीडियो को देख के। ओके और नेक्स्ट सीआरएम, सर, आई एम ट्राइंग इन सर ऑनलाइन सिमुलेटर। ओके ओके हैव यू डन इट? नो सर, आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम सर। व्हाई देयर इज सम प्रॉब्लम इन द सिमुलेटर? यस सर, सर ड्यू टू द नेटवर्क प्रॉब्लम इट गेट्स रिलोडेड ईच टाइम सर। ओके, देन आई विल रिकमेंड दैट यू विल सी माय वीडियो, देन डू इट, एंड इफ एनी प्रॉब्लम हैपेंस देन कांटेक्ट विथ मी इफ देयर इन एनी प्रॉब्लम हैपेंड. ओके सर। ओके, देन अनामिका.
अनामिका? यस सर। हैव यू अनामिका डन इट? यस सर। ओके ओके देन शो मी। आई कनेक्ट। ओके In this meantime, other than Anamika, anyone can show me in this meantime? Apeksha, Chandni, tum log kiye ho? Yes, sir. Achha, to theek hai, show karo ek bar, dekh lete hai. I am connecting with my system. Give me some time, sir. Okay. Okay. Apeksha, give yes sir 111 condition 111. Okay. Then 110. Right. And the condition 010. Okay, it is correct. Okay, Apeksha, it is correct. You can exit. Okay, sir, thank you. You can stop the session, no problem. Okay, then Kajal. Yes, sir. Have you done it? Yes, sir. Okay, then show me. Yes, 001. Okay. Kajal, give the condition 101. Right, then the condition 100. Okay. Okay, Kajal, it's correct. You can stop it. Then, other than anyone, Anamika? Sir, I tried to connect. Sir, connect nahi ho raha.
अच्छा ठीक है कोई इशू नहीं। और कोई दिखा सकते हो? चांदनी, निधि, एनीवन कैन शो चांदनी फ्रॉम चांदनी और निधि। आई थिंक दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम। ओके नो इश्यूज। जो जिसका जिसका हम प्रॉब्लम हुआ था उसका तो हम देख नहीं पाए, तो प्रीति का, जैसे प्रीति पर प्रॉब्लम हुआ था मगर प्रीति सर हो का गया नहीं। ठीक। ठीक हो गया? यस ओके ओके नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, तो ये वाला और जिसका जिसका देखो हम प्रॉब्लम हो रहा है जूम में, कुछ प्रॉब्लम के लिए बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, हम समझ पा रहे हैं बहुत लोग का प्रॉब्लम के लिए वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उन लोग का क्या करना, उन लोग जैसे वीडियोस जो है वीडियोस में एकदम देख लेने के बाद उसको करना। अगर कोई दिक्कत हुआ तो हम अवेलेबल है, तुम फोन करना या जो कॉल करके कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछ लेना। ठीक है, तो ये मेरा फुल सब्ट्रैक्टर का गया, फुल सब्ट्रैक्टर का हम लोग देख लिए। तो अब देखो हम लोग ऑलवेज जो है हम लोग टोटल हाफ एडर देन फुल एडर देन हाफ सब्ट्रैक्टर फुल सब्ट्रैक्टर, हम लोग टोटली उन लोगों का जो सर्किट डिजाइन हम देख लिए हम लोग। देन नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम लोगों का मल्टीप्लेक्सर। अब मल्टीप्लेक्सर क्या है? मल्टीप्लेक्सर में मार्क्स हम लोग जो बोलते हैं इसमें मल्टीपल इनपुट्स होता है। मार्क्स का क्या है? मल्टीपल इनपुट्स, बट हम लोग का जो आउटपुट है वो सिंगल आउटपुट है। यही तो मार्क्स का कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों का कितना मार्क्स होता है। हम लोगों का 4x1 मार्क्स होता है, देन हम लोगों का 8x1 मार्क्स होता है। 4x1 मीन्स देयर विल बी 4 इनपुट, 8x1 मीन्स व्हाट? 8x1 मीन्स we will have total 8 inputs and 1 output. So number of input can be changed, but output is what? The output will be fixed. That is the case of the marks, that the output will be what? That the output will be fixed. तो मार्क्स को कैसे हम लोग ये मल्टीसिम में डिजाइन करते हैं, उसका सर्किट डिजाइन कैसे है वो अभी हम लोग देखेंगे कि मार्क्स का सर्किट डिजाइन कैसे है यूजिंग दिस मल्टी सिम सॉफ्टवेयर। यूजिंग दिस मल्टी सिम सॉफ्टवेयर वी विल सी दैट हाउ टू डिजाइन द मल्टीप्लेक्सर। तो इसके लिए क्या है, जैसे हम कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू करने के बाद कंपोनेंट में जाके हम लोग डायरेक्टली मार्क्स लिखेंगे। तो देखो ये जब भी हम कंपोनेंट में मार्क्स लिखेंगे तो हम लोगों का मार्क्स जो है, इधर हम लोगों का जो टोटल 4 टाइप्स ऑफ मार्क्स दिया है, देखो हम लोगों का 16x1, 2x1, 4x1 और 8x1, ये 4 टाइप का मार्क्स है और एक हम लोगों का मार्क्स लैच है। तो हम लोग जो जो जिसको चूज करेंगे, हम लोग अगर बनाए तो 16x1 तो 16x1 को चूज करेंगे, अगर 2x1 बनाएंगे तो हम लोग उसको चूज करेंगे 4x1, बट मेनली तुम लोगों को जो दिया है 4x1 और 8x1, ये दो दिया हुआ है। तो फर्स्ट हम 4x1 जो है 4x1 मार्क्स पहले फर्स्ट हम लोग बनाएंगे उसको। तो कैसे बनाते हैं, इधर से हम लोग 4x1 मार्क्स को चूज करेंगे। तो फर्स्ट 4x1 मार्क्स को हम ले लिए, तो इसमें क्या है 4x1 मार्क्स में हम लोगों का 4 इनपुट होगा, 4 इनपुट होगा और 2 मेरा क्या होगा सिलेक्शंस लाइन प्रेजेंट होगा, 2 सिलेक्शंस लाइन और मेरा क्या होगा आउटपुट है, जो मेरा आउटपुट होगा अभी इस 4x1 मार्क्स में। तो हम फर्स्ट 4x1 मार्क्स चूज किए। अब 4x1 मार्क्स चूज करने के बाद क्या है इस सर्किट को बनाने के लिए और क्या क्या मेरा लगेगा सॉरी तो आउटपुट दिखने के लिए हम लोग जानते हैं, हम लोग एक दो प्रोब ब्लू लेते हैं। प्रोब ब्लू जो है
इसको जैसे आउटपुट देखने के लिए तो हम एक लेंगे, देन सॉरी देन दो हम लोग प्रोब लेंगे ऐसे। और इधर क्या है, मेरा टोटल हम लोगों का 4 इनपुट और 2 सिलेक्शन लाइन का है, तो टोटल हम लोगों का 6 है, जो 6 हम लोगों का होगा। तो 6 हम लोगों का होने के लिए मुझे क्या करना है, टोटल 6 ऐसे लाइंस बनाने होंगे, मतलब 6 हम लोगों का स्विच लगेगा और 6 मेरा ऐसे रेजिस्टेंस लगेगा और एक मेरा डीसी पावर सप्लाई लगेगा और एक मेरा वोल्टेज और एक जो ग्राउंड वोल्ट है वो ग्राउंड वोल्ट का एक लगेगा। ये टोटल हम लोगों का सर्किट जो है सर्किट बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। तो ब्लू प्रूफ तो हम ले लिए, अब मुझे क्या करना है, 6 SPST स्विच का जरूरत होगा। तो हम लोग फर्स्ट 6 SPST स्विच लेते हैं। तो इधर से ऑल ग्रुप से हम सोर्सेस को चूज करेंगे, देन सोर्सेस को चूज करके फर्स्ट ग्राउंड जो है ग्राउंड और डीसी पावर सप्लाई ये दोनों को फर्स्ट ले लेते हैं। तो एक ग्राउंड हम लिए, देन डीसी पावर सप्लाई जो है डीसी पावर सप्लाई को भी एक ले लिया हम। देन ये जो ऑल ग्रुप्स जो है ऑल ग्रुप्स में जाके बेसिक्स जो है बेसिक्स से हम लोग स्विच को चूज किए, एक स्विच हम लिए SPST स्विच और हम लोग को क्या है एक रेजिस्टेंस लेना होगा इसके लिए, तो हम लोग एक रेजिस्टेंस लिए। ओके तो फर्स्ट हम इसको बनाते हैं ऐसे, SPST जो स्विच है इसको रोटेट कर लेते हैं, तो रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज बाय क्लिकिंग द राइट कर्सर, और इसको भी रोटेट हम लग कर लेते हैं और इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं। ठीक, अब क्या है इसका नाम हम चेंज कर देते हैं इसको D0। ओके तो इसका नाम हम चेंज करते हैं D0 बन गए। देन इसको क्या है डिस्प्ले के टाइम में फर्स्ट इसके ऊपर D0 जहां लिखा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसे हम लोगों का एक विंडो खोलेगा, उस विंडो में डिस्प्ले ऑप्शन को चूज करना। ठीक है, डिस्प्ले ऑप्शन को चूज करके यूज कंपोनेंट स्पेसिफिक विजिबिलिटी सेटिंग्स में जाना, उसके ऊपर क्लिक करना और शो लेवल्स और शो वैल्यूज इसको ऑफ कर देना। ठीक है, इसको ऑफ करने के क्या होगा, ये जो तुम्हारा जो की स्पेस लिखा हुआ रहेगा वो बंद हो जाते हैं। देन ये जो टोटल है इसको क्या है हम कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेते हैं। तो देखो देन कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी देन अगेन कंट्रोल वी देन अगेन कंट्रोल वी Then again, control V. तो देखो हमको क्या है कि इसमें ऐसे जरूरत नहीं हुआ कि बार बार हम उसको लिए एक स्विच ले। देखो इसको हम क्या किए, फिर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद डिस्प्ले में जाके यूज कंपोनेंट स्पेसिफिक विजिबिलिटी सेटिंग्स जो है उसको चूज किए और इधर जो हम लोगों को मार्क था शो लेवल्स और शो वैल्यूज में जो मार्क्स था, मार्क था मेरा, वो मार्क को है हम हटा दिए। तो हटा देने के बाद क्या है उसको ओके कर दिए, देन इसको क्या है कि ऐसे इसके ऊपर प्रेस करके इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी करने के बाद एक के बाद एक उसको बैठा गया, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो वैल्यूज जो है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, D1 D2 D3 D4 D5 ऐसे इसको शो कर रहा है। और सेम देखो R1 R2 R3 R4 R5 R6 ऐसे शो करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो हम मेरा इधर क्या है इसीलिए हम इसका नेम चेंज किए, तो D0 D1 D2 D3 ये है
और ए और बी है, तो इसको हम चेंज करने के बाद क्या है, लेवल का नाम दे देंगे ए और इसका नाम हम गो टू लेवल एंड चेंज इट एज बी। तो हम लोग इसका नाम ऐसे चेंज कर देंगे, राइट। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग ये जो वोल्टेज जो हम लिए इसको क्या है, इसको हम लोग इधर मूव करके लेके आएंगे, राइट। देन ये जो ब्लू प्रोब्स है एक इधर हम इसके साथ अटैच करेंगे, एक हम लोग अटैच करेंगे इसके साथ, राइट। और ये ग्राउंड जो है, ग्राउंड को हम लोग इस जगह में लेके आएंगे, ठीक है। अब क्या है, हम लोग इसका कनेक्शंस करेंगे, सर्किट का कनेक्शंस। तो सर्किट का कनेक्शंस में क्या है, डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट करेंगे और सबको क्या है ऐसे हम कनेक्ट करते हैं, सेम एज दैट। इधर भी क्या है, इधर भी हम उसको डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे, ओके। और इसके साथ हम लोग क्या है इसको कनेक्ट कर देंगे, राइट। अब डी जीरो के साथ, डी जीरो का कनेक्शन, देन डी वन के साथ डी वन का कनेक्शन, डी टू के साथ डी टू का कनेक्शन, डी थ्री के साथ डी थ्री का कनेक्शन, ए के साथ ए का कनेक्शन, और बी के साथ बी का कनेक्शन, ओके। तो हम लोग सबके साथ कनेक्शंस बना दिए। अब कनेक्शंस बनाने के बाद हम लोग देखेंगे, जैसे इसका तो 8 6, ओके, और इसका वोल्टेज मुझे चेंज करना होगा वैल्यू में जाके 5 वोल्ट। तो अभी क्या होगा, अभी हम लोग एक को बंद करेंगे, बंद करने के बाद जो है मार्क्स का देखेंगे कि वैल्यू हम देख सकते हैं जब मेरा दोनों ही बंद होगा। अब देखो ये शो कर रहा है मेरा, जब मेरा ये वाला ओपन है,
फिर दिखा रहा है 01 में ये वैल्यू, देन हम दोनों ही ओपन करते हैं तो भी यही ओपन हो रहा है। तो ऐसे हम लोग जो है मार्क्स का कनेक्शन बनाते हैं, मल्टीप्लेक्सर जो है मल्टीप्लेक्सर का कनेक्शन हम लोग ऐसे करते हैं कि फर्स्ट हम क्या करेंगे मल्टीप्लेक्सर में, ऐसे हम लोग उसमें टोटल 4 इनपुट्स लेंगे, ये जो 4x1 है, अगर हम 8x1 करते तो इसमें मुझे क्या करना होता है, 8x1 में हम लोगों को टोटल 8 इनपुट्स जो है 8 इनपुट्स लेना होता था, तब 8 इनपुट्स उसमें पास होता और तीनों सिलेक्शन लाइन होता। ये 4x1 है तो इसलिए 4 इनपुट है और 2 सिलेक्शन लाइन है और एक आउटपुट है मेरा, और इसमें क्या है कि चारों जो है चारों टोटल सिक्स स्विचेस का जरूरत होगा, तो 6 स्विचेस हम लोग यूज किए, और इसमें क्या है कि 2-6 रेजिस्टेंस हम लोग को यूज करना पड़ा, और हम लोग का इधर क्या है कि जैसे नॉर्मली जो प्रीवियस सर्किट में भी हम लोग देखे थे कि ऐसे हम लोग का जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को हम लोग यूज किए एज ए तुम्हारा जो वोल्टेज जो है वो ग्राउंड वोल्टेज, वो जो ग्राउंड वोल्ट और मेरा इधर का जो तुम्हारा टोटल जो है जो डीसी पावर सप्लाई है उसका भी जरूरत हुआ, और जो ब्लू प्रोब जो है, ब्लू प्रोब तो जैसे हम लोगों का आउटपुट देखने के लिए काम आते हैं, तो वो ब्लू प्रोब हम कनेक्ट किए, देन उसके बाद जब कनेक्शन हुआ तो हम लोग जब रन किए तो इसका बेसिस में क्या है हम लोग मार्क्स का कौन सा लाइन कौन सा भी चूज होगा ये हम लोग देख पा रहे हैं। तो यही हम लोग का 4x1 जो है 4x1 का लॉजिकल और सर्किट का कनेक्शन जो है, यही मेरा 4x1 का सर्किट कनेक्शन। ठीक है, तुम लोगों का क्या है तुम लोग देख लो, क्योंकि आज उतना टाइम नहीं है तो इसीलिए ये 4x1 वाला देख लो। तुम लोगों का टास्क रहेगा 8x1 मार्क्स जो है सेम टाइप से बनाना है, मगर 8x1 में देखोगे 8 इनपुट का जरूरत होगा, क्यों 8 है तो 8 इनपुट जरूरत होगा, 8 इनपुट और तीनों सिलेक्शन लाइन का जरूरत है। तो टोटल ये जो 8x1 है तुम लोगों का टास्क रहेगा कि ये 8x1 हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तुम लोग जो है 8x1 मार्क्स खुद बनाना। ठीक है, क्लियर? यस। तो इसका कनेक्शन क्लियर है समझने में? सर मार्क्स का भी कनेक्शन नहीं हुआ है कहीं से? हाँ कनेक्शंस तो हुआ, कनेक्शन होने के बाद तो तुम्हारा ये जो ब्लू प्रोब है, ब्लू प्रोब दिखा रहा है, ये तो कनेक्शंस करने के बाद ही तो ब्लू प्रोब जो है ब्लू प्रोब चल रहा है। सर मार्क्स नहीं का तो जो भी है, अगर ये देखो सब हम बंद कर देते हैं मानो ऐसे, तब मेरा ये वाला चूज हो रहा है, ये वाला सिलेक्शन लाइन चूज हो रहा है, यही तो कनेक्शन का बेसिस है, इसीलिए तो हम ब्लू प्रोब लगाए कि जैसे जो ग्लो करेगा उसको ही शो करेगा, जो आउटपुट मेरा ग्लो करेगा वही आउटपुट अभी सिलेक्ट हो रहा है मार्क्स के लिए। तो इसमें क्या है, ये हम 4x4 जो 1 है उसके लिए दिखा है 4x1 का। तुम लोग क्या है, तुम लोग उसको ट्राई करना 8x1 को। ठीक है, अगर 8x1 नहीं हो रहा है तो ठीक है हम दिखा देंगे, बट फर्स्ट ट्राई करना तुम लोग 8x1 को जो है 8x1 का यूजेस। ओके सर। ओके सर। हाँ बोलो सर। जो मल्टीप्लेक्सर है हम लोग का, वहां पे सर जो बी इनपुट है वो तो सर बी के साथ कनेक्ट होगा ना, और ग्राउंड नीचे आएगा ना? ये बी के साथ होगा, ग्राउंड के साथ कुछ नहीं, ग्राउंड जो है ग्राउंड के साथ कुछ कनेक्ट नहीं होगा, ये हम इसमें दिखा दिए गलत हो गया, तो ये ग्राउंड के साथ नहीं होगा, हम इसके साथ कनेक्ट करने गए थे, ये ठीक बोले हो तुम, ये कनेक्शंस का ये हो गया, ये ग्राउंड के साथ, ये बी के साथ कनेक्ट होगा, बी के साथ कनेक्ट होगा, वो ग्राउंड वाला खाली रहेगा, ग्राउंड वाला में कुछ नहीं रहेगा,
क्योंकि ग्राउंड ऑलरेडी हम यूज कर लिए है इधर। सर बोलो। अगर हम लोग ग्राउंड नहीं यूज करते तो सर जो नीचे से एक कनेक्शन हम लोग का वो ग्राउंड में जाता ना मल्टीप्लेक्सर का। और अगर नहीं हम डायरेक्ट उसका कनेक्शन कर देते था, इधर हम ग्राउंड का तो यूज किए हैं, नॉर्मली ग्राउंड का जो है इधर यूज किए हैं, इसीलिए उसको कोई कुछ कनेक्शन नहीं किए, कुछ कनेक्शन नहीं दिए इसमें, क्योंकि हम ऑलरेडी ग्राउंड जो है ऑलरेडी ग्राउंड यूज किए है इधर, तो इसीलिए उसका हम यूज नहीं किए, नहीं तो हम यूज करते। ओके देन थैंक यू एवरीवन। आज उतना टाइम नहीं है, अभी बंद हो जाएगा क्योंकि एकदम ही टाइम नहीं है, तो नेक्स्ट सेशन में तुम लोग 8x1 मुझे दिखाना, ठीक है? 8x1 सेम ये 4x1 के तरह ही बनाना है, सेम 4x1 के तरह हम देखेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो हम फिर दिखा देंगे 8x1 जो है।